सबको जय यीशु की, प्रेज द लॉर्ड। मैं वेरोनिका जॉर्ज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ प्रभु का एक छोटा सा वचन शेयर करने के लिए, जिस वचन को हम अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे कि हाँ, सच में हम भी विश्वास में कहीं कमजोर तो नहीं है, क्या हम भी उस प्रभु पर संदेह तो नहीं करते हैं उस पेतरस की तरह। तो आइए हम वचनों को ध्यान से सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे सन मती रचित सुसमाचार से अध्याय 14 वाक्यांश 22 से लेकर 33 तक, जिसमें ईसा समुद्र पर चलते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए वाद्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वे लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्य की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए ये कोई प्रेत है डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, धारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने ये कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। तो जैसे हमने ये वचन पढ़ा तो हम इस वचन को अपने जीवन से कनेक्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग यही है, ईसा समुद्र पर चलते हैं, मतलब यीशु मसीह हमारे जीवन में कैसे आते हैं। एक एक करके हम इस वर्स को पढ़ेंगे और अपने जीवन से इसको कनेक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले लिखा है, नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी, वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। नाव जो है वो हमारा जीवन है। तो नाव रूपी जीवन में जब हम रहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होते हैं, तो वो नाव जो है वो डगमगाती रहती है हमारे विश्वास की कमी के कारण और सांसारिक चीज़ों की वजह से वो नाव जो है वो डगमगाती है। आगे पढ़ेंगे, रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्य की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और ये कहते हुए कि ये कोई प्रेत है डर के मारे चिल्ला उठे। देखिए, इसी तरह यीशु मसीह हमारे जीवन में आने की कोशिश करते हैं, हमारे पास आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन्हें जानने से अस्वीकार कर देते हैं, पहचानने से इनकार कर देते हैं और डर के मारे कि ये कोई प्रेत है। जिस तरह वो शिष्य डर के मारे ये सोचने लगे कि ये कोई प्रेत तो नहीं है कि जो पानी पर चल के हमारे पास आ रहा है। असल में हम भी उस प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उस प्रभु के लिए तो हर चीज़ संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। हम भी कई बार यही सोचते हैं कि प्रभु है या नहीं है, संदेह कर देते हैं प्रभु को जानने में। लिखा है, ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। लेकिन प्रभु हमसे क्या कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, डरो मत, मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ढाढ़स रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, उन परेशानियों में आकर, सांसारिक चीज़ों में आकर, सांसारिक परेशानियों में आकर उस प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं। हम डर जाते हैं अपनी विपत्तियों को देखकर, लेकिन प्रभु हमसे फिर भी वादा करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे हम पढ़ते हैं, पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। देखिए, यहाँ प्रभु का विश्वास परखने के लिए पेत्रुस ने कहा
कि प्रभु अगर आप ही हैं तो आप मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। कई बार हम भी प्रभु पर यही संदेह करते हैं कि ये सच में प्रभु ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हम प्रभु का विश्वास पर रखने के लिए कई बार कहते हैं कि प्रभु हो सके तो मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी इच्छा है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन प्रभु तो हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हमें देते हैं। प्रभु वो नहीं देते जिस चीज़ की हमें हमारी इच्छा है, प्रभु हमें वो देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन पेत्रुस ने प्रभु पर संदेह किया और कहा कि प्रभु अगर आप ही हैं तो आप मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। तो ईसा ने कहा आ जाओ। जब हम कई बार यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु अगर आप ही हैं तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो मेरे प्रभु यही कहेंगे आ जाओ। प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ मेरे पास आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। हम भी जब प्रभु की तरफ हम जाएंगे, जब हम प्रभु की तरफ देखते रहेंगे तो हम क्या है, हम नहीं डूबेंगे। जैसे हम पेत्रुस को देखते हैं, जब तक पेत्रुस का आई कांटेक्ट प्रभु की तरफ था, जैसे जैसे वो प्रभु की तरफ देख रहा था वैसे वैसे वो पानी पर चल रहा था। मतलब अगर हम प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो हर असंभव कार्य भी हमारे साथ हो जाएंगे, लेकिन हमें संदेह नहीं करना है। जैसे ही पेत्रुस ने पानी की तरफ देखा तो वह डूबने लगा, इसी तरह जब हम यीशु मसीह की तरफ जाते हैं, इस जीवन रूपी नाव से निकलकर प्रभु की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो ये सांसारिक चीज़ें जो सांसारिक जाल है, भोग विलासा है, ये हमें अपनी ओर खींच लेती है, हम इसकी तरफ देखकर डूबने लगते हैं। तब क्या होता है, जब वो डूबने लगा तो चिल्ला उठा प्रभु मुझे बचाइए। तब हम जब डूबने लगते हैं इन सारी परेशानियों में, चिंताओं में, तब हम फिर प्रभु को पुकारते हैं कि हे प्रभु हमें बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ। जब हम डूबने लगते हैं तब भी प्रभु क्या करता है, हमारा हाथ पकड़कर हमें बचा लेता है। लेकिन तब प्रभु कहता है कि हे अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ। इसलिए हमें अपने प्रभु पर संदेह नहीं करना है, हमें विश्वास में मजबूत बनना है, उस राई के दाने के बराबर जो भले ही छोटा है लेकिन मजबूत है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बेटी अपने पापा के साथ समुद्र के पास से जा रही होती है, तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटी मेरा हाथ पकड़ लो। तो वो बोलती है कि नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा इसमें क्या फ़र्क है कि चाहे तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूँ। तो बोलती है पापा बहुत फ़र्क है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो शायद वो हाथ छूट जाए, लहरों से डर के कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो सेम वही स्टोरी यही है कि यीशु मसीह भी, अगर हम यीशु मसीह का हाथ थामेंगे तो वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने प्रभु का हाथ ऐसे नहीं पकड़ना है बल्कि ऐसे पकड़ना है, प्रभु को अपना हाथ थामाना है, प्रभु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु भी 100 कदम हमारी ओर बढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ आया होगा और आप भी इस वचन के द्वारा दूसरों को भी बता सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। तो हाँ दोस्तों, आप सबका इस वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वचन को सुना और समझा, तो सबको थैंक यू। जय यीशु एंड प्रेज द लॉर्ड।